बात करते हैं रीवा की, जहां जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को कराया जाएगा। इस चरण में विकास खंड रीवा, रायपुर, करचुलियां तथा गंगेव विकास खंडों में 284 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने गंगेव क्षेत्र का भ्रमण कर कानून और व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आम जनता से जगह जगह संवाद कर निर्भय होकर मतदान करने की समझाइश दी है। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बांस में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद भी एक उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों को चुनाव की आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने गढ़, बांस, भटवा, क्योटी तथा लाल गांव का भी भ्रमण किया है। कलेक्टर ने लाल गांव में आम जनता से संवाद करते हुए कहा कि जिले में प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मतदान में किसी भी तरह की बाधा डालने अथवा लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। सभी मतदान निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। मतदान के दौरान पुलिस की मोबाइल टीमें, सेक्टर ऑफिसर तथा राजस्व अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे। मतदान केंद्र में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर तत्काल पहुंचकर सहायता की जाएगी। कलेक्टर ने राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के मैदानी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मतदान को अनुचित तरीके से प्रभावित करने अथवा अशांति फैलाने का मसूबा बांधने वाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी दें। पुलिस अधिकारी इन पर कड़ी कार्यवाही करेगी। बिना किसी भय और दबाव के अपराधियों तथा मतदाताओं को डराने धमकाने वालों पर कार्यवाही करें। मौके पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने भी पुलिस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार क्षेत्र का भ्रमण करने तथा अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। भ्रमण के दौरान लाल गांव में एटीएम में तैनात गार्ड बिना यूनिफॉर्म के शस्त्र लिए हुए मिला है। पुलिस अधीक्षक ने उससे पूछताछ की तथा निर्धारित यूनिफॉर्म में रहने की हिदायत दी है। भ्रमण के समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम मनगवा एके सिंह, एसडीओपी समरजीत सिंह तथा अन्य अधिकारी उनके साथ रहे। द्वितीय चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है और 30 तारीख को सामग्री वितरण और मतदान दलों की रवानगी का काम होगा। उसके पहले हम लोग क्षेत्र में आकर एक सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके हिसाब से कि जो पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और जिन लोगों के बारे में इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि जो चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो कि झगड़े लड़ाई करके ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण कि लोग मतदान करने के लिए आए और इस तरह का माहौल बने कि उनके पक्ष में वातावरण बने, उन सभी पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जो पुलिस और रेवेन्यू की टीम है वो सभी गांवों में सेंसिटिविटी का असेसमेंट कर रही है, उन सभी लोगों की पहचान कर रही है जिनके कारण ये संवेदनशीलता होने की संभावना है, उनके विरुद्ध न केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है बल्कि जहां कहीं भी आवश्यक पड़ रहा है तो जो एक्चुअल धाराएं हैं उनमें केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, जो पुराने अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, एनएसए और जिला बदल की कार्रवाई की जा रही है, और आम नागरिकों को पूरी तरह से इस तरह का एक वातावरण दिया जाएगा ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पंचायत के और अपने सभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लोग हैं उनका चयन करें। बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 2 दिनों में इस एटमॉस्फेयर बिल्डिंग के लिए पुलिस और रेवेन्यू की टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे करेगी और उन सभी की पहचान करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो किसी भी तरह से पोल की प्रक्रिया को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे।